हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं आपके लिए ये क्रिसमस लुक लाई हूँ। क्रिसमस में आप ये वेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है इतना लाउड, तो आप थोड़ा सा सटल करके भी मतलब मेकअप कर सकते हैं। मैंने मेरे तरीके से किया है, रेड और ब्लू ग्लिटर से मैंने मेकअप किया है। और बालों को मैं कर्ल वगैरह करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने एक बन बनाकर सामने से ऐसे बाल मतलब बाहर कर दिया। अगर आपके बाल मतलब स्ट्रेट है तो आप छोड़ सकते हैं। और ये इयररिंग्स बार बार गिर रहा है, पता नहीं गाइस क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे इयररिंग्स का बहुत प्रॉब्लम है। तो या क्यूट इयररिंग्स भी मैंने मीशो से लिया है। और ये ड्रेस और इसका अंदर का जो है ये अरमानिक का है, इसका हॉल आएगा। तो ठंडी का टाइम है तो आप लोग तो ऊपर से ऐसे कोट वगैरह डालेंगे, तो मैंने ये डाल दिया। इसीलिए बालों के तरफ मत देखिए, बाल में थोड़ा सा मतलब आप लोग आपके तरीके से कर सकते हैं। और न्यूड लिप्स रखा है। तो या तो अगर अच्छा लगे वीडियो आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। सब्सक्राइब के पास में जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफाइड रहे जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम और एफबी पेज पे फॉलो कर सकते हैं दास दीपक शो में, तो वहाँ पर जाके भी मुझे फॉलो कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। गाइस, तो स्टार्ट करेंगे मॉइस्चराइजर से। तो अभी विंटर का टाइम चल रहा है, तो इससे थिक और अच्छा मॉइस्चराइजर मुझे नहीं लगता कोई होगा। तो ये निविया का जो मॉइस्चराइजर है मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फ्लेकी हो जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब काम देता है, अफोर्डेबल में बहुत अच्छा है। अभी ये स्टेक वर्की का फाउंडेशन है, ये ले रही हूँ। इसका कवरेज बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मतलब बिल्कुल भी कवरेज नहीं है इसमें। तो इसको मैं अपने फेस पे एक ब्यूटी ब्लेंडर से लगा रही हूँ। ब्रश से लगाने से अच्छा था, लेकिन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से लगा रही हूँ, ब्रश से अच्छा कवरेज देता। तो फिर और एक लेयर लेके मैं इसका लगा रही हूँ। एकदम बिल्कुल भी कवरेज नहीं है और बहुत ही रनी है ये फाउंडेशन, मतलब लिक्विड लिक्विड ही है। जैसे मैंने हाथ पे लिया तो पूरा जैसे गिर रहा था, ऐसा था। अभी मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, एली गर्ल का प्रो कंसीलर इन द शेड नेचुरल बीच। ये मैं अपने अंडर आइज पे, नोज़ पे, जहाँ पे मैं कंसीलर लगाती हूँ वहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि उसमें कवरेज नहीं था, तो इसमें कवरेज अच्छा है। तो थोड़ा सा देखिए, मेरा पिंपल हो गया है, विंटर में मेरा हो जाता है, बहुत ब्लैक भी हो जाता है फेस, तो उसको ढक लेगा, पता नहीं क्या हो जाता है मेरा फेस। तो अभी मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर से फिर से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कवरेज है। तो ये जो भी मेरा मतलब डार्क स्पॉट है या जो भी मेरा अनइवन स्किन है उसको कवर कर लेगा। देखिए कितना अच्छा कवरेज है इसका। और ये हाइलाइटिंग कंसीलर, एक हाइलाइटिंग का काम करेगा। और विंटर में थोड़ा सा मतलब ऐसे मेकअप करने से अच्छा ही लगता है, लाउड मेकअप करने से। अभी मैं ब्लू हेवन का लूज पाउडर ले रही हूँ। ये बहुत अच्छा पाउडर है, लेकिन इसका जो स्मेल है बहुत गंदा है। इतना मतलब मेल्टेड, मतलब इतना ज़्यादा फाइनली यानी है, लेकिन फिर भी अच्छा है। उसको मैं अपने फेस को बेक कर ली हूँ, जहाँ पे मैं कंसीलर लगाया है। अभी मैं ये ब्लू हेवन का ब्लश ले रही हूँ। इसको मैं एक बहुत ही पिंक ब्लश है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ब्लश लगा रही हूँ, क्योंकि विंटर का टाइम होगा। अभी मैं कॉन्ट्रोरिंग कर रही हूँ। ये वेट एंड वाइल्ड का कॉन्ट्रोर पैलेट है, इसमें कॉन्ट्रोर शेड और पाउडर शेड दोनों है। पाउडर मेरा ख़त्म हो गया, तो कॉन्ट्रोर जो शेड है उससे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रोरिंग कर रही हूँ, क्योंकि रात का टाइम होगा तो कॉन्ट्रोरिंग करने से अच्छा लगेगा, ब्रॉन्जिंग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मेरा फेस मतलब ज़्यादा ही मतलब स्ट्रक्चर्ड है, फिर भी मैं कर रही हूँ। अभी मैं बेकिंग को हटा दूँगी। ब्लश थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि विंटर का टाइम मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए कितना प्रोमिनेंट लग रहा है ना, ब्लश से जैसे एक ब्रॉन्जिंग का इफेक्ट आ गया है। अभी मैं ये मेबलिन का मास्टर फिक्स एक सेटिंग स्प्रे है, उसको लगा रही हूँ। तो ज़्यादा जितना भी पाउडर मैंने यूज़ किया है वो अच्छे से मतलब पाउडर ही नहीं लगेगा अभी, क्योंकि विंटर का टाइम है। तो अभी मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर से सबको अच्छे से डैब डैब कर रही हूँ, तो ब्लेंड हो जाएगा सब कुछ, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पाउडर ही नहीं लगेगा। अभी मैं इस हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, पिंक हाइलाइटर है, मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मोल्टन रोज गोल्ड। इसको मैं अपनी यूजुअल एरियाज़ पे, हाईएस्ट पॉइंट्स जहाँ पे रात को जाऊँगी तो लाइट्स वगैरह होंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, तो ज़्यादा ही थोड़ा सा लगा रही हूँ। पिंक कलर का हाइलाइटर है, मेरी स्किन टोन से ज़्यादा फेयर जो है उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा ये हाइलाइटर, फिर भी मेरी स्किन पर भी चला जाता है, इतना भी पिंक नहीं है। अभी मैं मेरा आईब्रो फिल कर रही हूँ। मेरा फेवरेट पैलेट है स्विस ब्यूटी का, बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही अच्छा पैलेट है। उसमें से डार्क ब्राउन शेड लेके मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। उसमें एक ब्रश आता है, वो भी बहुत अच्छा है, अलग से आपको ब्रश की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आई शेडो करूँगी। पहले मैंने अपने आईज़ को सेट कर लिया, वो मेरा पता नहीं वो क्लिप नहीं कहाँ गया पता नहीं। तो अभी मैं अपने आईज़ पे एक रेड शेड लगा रही हूँ अपने क्रीज के थोड़ा सा अबव। ये निकाके का पैलेट है, ये वाला बर्थडे सूट करके पैलेट है, उसमें से फिर से अभी मैं वही रेड शेड लेके थोड़ा थोड़ा लेके अपने क्रीज के थोड़ा सा ऊपर बिल्ड कर रही हूँ।
और अभी मैं ये दूसरा वाला पैलेट है, ग्रीन कलर का, नियॉन ग्रीन कलर का पैलेट है, उसमें से ब्राउन शेड लेके, डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डिप कर रही हूँ। सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग चेक कर लेना। तो आप लोग अगर आपको चाहिए तो वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, डायरेक्ट बाइंग लिंक्स होंगे। अभी मैं ये विस्सी वाले पैलेट, पहले वाले पैलेट से ये ब्लू ग्लिटरी शेड है, इसको लेके मैं अपने लिड पे अच्छे से लग मतलब ऐसे जस्ट प्लेस कर रही हूँ। ये ग्लिटरी काइंड ऑफ शेड है क्योंकि क्रिसमस में मुझे लगता है थोड़ा ग्लिटर ग्लिटर अच्छा लगता है देखने में। तो इसको मैं एक फ्लैट ब्रश से, अमेज़ॉन का ब्रश है, सारे ब्रशेस अमेज़ॉन के है और ब्यूटी ब्लेंडर भी अमेज़ॉन का है। तो अभी क्या कर रही हूँ मैं कि ये वेट एंड वाइल्ड का ग्लिटर पैलेट है, उसमें से ग्लिटर्स इतने अच्छे नहीं है, कैसे स्टिकी स्टिकी है, उसमें से थोड़ा सा लेके मैं अपने आइज़ के ऊपर, तो ज़्यादा ग्लिटर ग्लिटर लगेगा, उसके ऊपर टैप टैप कर रही हूँ। अभी मैं पहले वाला जो निकाके का पैलेट है उसमें से रेड शेड, फिर दूसरा वाला ग्रीन पैलेट से ये ब्राउन शेड लेके, जैसे मैंने ऊपर किया है सेम नीचे कर रही हूँ, मतलब मेरे क्रीज पे और आउटर कॉर्नर पे जैसे किया था वैसे ही पहले रेड फिर डार्क ब्राउन देके मेरे लोअर लैश लाइन को अच्छे से डिफाइन करूँगी। अभी मैं वही वाला जो मेरे फेस पे हाइलाइटर लगाया था मास्टर क्रोम इन द शेड मोल्टन रोज गोल्ड, उसी को मैं अपने इनर कॉर्नर और अपने ब्राउ बोन पे अच्छे से लगा दूँगी। वो एक मतलब हाइलाइटिंग का काम करेगा। अभी मैं ये वाला काजल, ये ब्लू हेवन का काजल है, बहुत ही अफोर्डेबल रीजनेबल और बहुत ही ब्लैक है, स्मज प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ मुझे पता नहीं लेकिन स्मज प्रूफ है, तो उसको मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से लगा दूँगी। फिर मैं अपने आईलेश को कर्ल कर रही हूँ आईलेश कर्लर से, ये कुछ जेनेरिक करके कुछ ब्रांड का है रोज गोल्ड कर्लर का, आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे, बहुत ही अच्छा आईलेश कर्लर है। अगर आईलेश कर्लर से कर्ल करके फिर मस्कारा लगाएंगे तो और डिफाइन लगेगा। आई एम देखिए ऑलरेडी मेरा आईज थोड़ा मतलब लैशेज थोड़ा कर्ल लग रहा है। अभी मैं मेबेलिन का लेस सेंसेशनल मस्कारा है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, उससे मैं अपने अपर लोअर लैशेज पे 2 to 3 coats लगा दूँगी। मुझे एक्चुअली फॉल्स लैश लगाना भी नहीं आता और मुझे पसंद भी नहीं है, मेरे आईज़ पे सूट नहीं करता क्योंकि अब देखिए आउटर कॉर्नर से मेरा जो आईज़ है वो हुडेड है, वैसे मेरा आईज़ अच्छा है ठीक ठाक है बड़ा बड़ा ही है लेकिन साइड से मेरा हुडेड इसीलिए छोटा लगता है। तो अभी मैं मेबेलिन का क्रीमी मैट लिपस्टिक इन द शेड न्यूड नुआंस, बहुत ही अच्छा एक प्रिटी एक ब्राउन न्यूड शेड है, उसको मैं अपने लिप्स पे लगा दूँगी, बहुत ही फेवरेट है और बहुत ही क्रीमी है, क्रीम टू मैट है, बाद में सेट होकर मैट हो जाता है ये। और उसके ऊपर मैं एक ग्लॉस लगाऊंगी, ये स्विस ब्यूटी का ग्लॉस है क्योंकि ग्लॉस मुझे अच्छा लगता है न्यूड कलर में। अगर आपको पसंद है रेड कलर, क्योंकि क्रिसमस है सभी रेड लिपस्टिक लगाते हैं, तो आप लगा सकते हैं रेड कलर, मुझे न्यूड कलर लगाना क्योंकि आइस थोड़ा अलाउड था, उसके ऊपर ग्लॉस लगा दिया है। तो या गाइस दिस इज़ माई फाइनल फिनिश्ड लुक, आई होप कि आपको अच्छा लगे वीडियो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब के पास में जो बेल बटन उसको भी दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जब भी मैं वीडियोज अपलोड करूँ तो आपके पास पहला नोटिफिकेशन आए। आप मुझे इंस्टाग्राम एवी पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आप ले लेना वहाँ से। तो गाइज तो मिलती है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू, स्टे ब्लेस्ड।